तो भारतीय शासकों में जो अंग्रेजी मानसिकता है, और अंग्रेजी मानसिकता का अर्थ है साम्राज्यवादी मानसिकता, उसका विश्व स्तर में नहीं है, इसीलिए मतलब इसको विस्तारवादी मानसिकता के रूप में माना जा सकता, मतलब थोड़ा कमी आई है, मतलब उसके क्षेत्र टेरिटोरी में मतलब चिंतन में कोई कमी नहीं है। तो भारतीय शासक में जो अंग्रेजी मानसिकता है, और वो अंग्रेजी मानसिकता नेपाल के लिए बहुत घातक है। तब वहाँ के सरकार बनते तो क्या कहेंगे, वो सरकार बनाते और गिराते हैं, भारतीय शासक वर्ग वहाँ पर मतलब सरकार बनाते गिराते हैं, जो उसको अधिक दलाली करते हैं, यहाँ के मतलब सेवा करते हैं भारतीय शासकों वर्ग का, उसको वो मानते हैं, उसको रखते हैं, टिकाते हैं, जो थोड़ा भी सेवा में थोड़ा भी मतलब कमी कर देता है उसको लात मार के हटा देते हैं। प्रचंड का वही हालत है, सेवा में थोड़ा कमी कर देता है, तो प्रचंड का जनयुद्ध से आया हुआ था, वो झंडा को भी देखना पड़ता था, बहुत बड़ा ताकत वहाँ पर क्रांति के पक्ष में, तो उधर भी मतलब ठीक करना पड़ता था, उधर भी मतलब इधर वो चीज मतलब भारतीय शासक लोग को मतलब ये पसंद नहीं हुआ, वो तो सिर्फ मेरा सेवा करो, जिस वर्ग के मतलब सत्ता है उसका सेवा करो, मतलब वो कह रहा था कि नहीं हम तो धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं, समय तो दीजिए, लेकिन उन्होंने माना नहीं। तो भारतीय शासक का जो अंग्रेजी मानसिकता है उसका शिकार हम नेपाल मतलब हमारा देश हुआ है, और उसमें मधेश तो और काफ़ी है, जो आप पहले भी प्रश्न उठाए थे क्लियर नहीं कर पाए थे, मधेशी जनता को तो यहाँ के लोगों से सब चीज मिलता जुलता है, रहन सहन खान पीन मतलब कहीं ना मतलब बेटी रोटी का संबंध है ना, तो लोगों में क्या है कि भारत हम लोग के लिए कुछ करेगा कि? लेकिन वो भारतीय मतलब शासक लोग ये नहीं चाहता है कि मधेशी लोग को अधिकार मिले, और मधेशियों को मतलब आपको खुशहाल हो, अगर मधेशी को खुशहाल हो उसका असर बिहार में पड़ेगा, यूपी में पड़ेगा, बंगाल में पड़ेगा, तो वहाँ को जनता का स्तर क्या है आप देख रहे हैं, भिकमंगा की स्थिति है, मतलब लोग एक तरह तो अभी ढोल पीटा जा रहा है कि इकोनॉमिकली भारत बहुत आगे जा रहा है, लेकिन हम तो कहते हैं कि मतलब कितने आदमी के हाथ में वहाँ का इकोनॉमिक, इस चीज को लोग नहीं देखता। आपके गाँव में 10,000 बीघा जमीन है, मतलब 10 आदमी के पास में, और हजारों घर जमीन विहीन है, और दूसरे गांव में आपको हजारों बीघा जमीन है, हजारों घर वाले के एक एक बीघा जमीन है, अब किसको इकोनॉमिकली किसको कहिएगा ठीक, हम तो कहेंगे जिसको एक एक बीघा है वही ठीक है, आप 10 आदमी के पास में 10,000 है और बाकी लोग के पास में कुछ नहीं है, तो इकोनॉमिकली लोग ढोल पीट रहे पूंजीवादी लोग कि एकदम इंडिया विकास कर रहा है या कर रहा हुआ कर रहा है, और उतना ही भिकमंगा पैदा कर रहा है यहाँ पर गांव में, आप ग्रामीण इलाका में मतलब बस्ती का बस्ती खाली कर रहा है, मतलब बर्बाद कर रहा है, वो स्थिति जहाँ पर अभी लड़ाई तेज है उसी इलाका में जाकर देखिए आदिवासी सब का स्थिति क्या है, उसका भी तो खुशहाल होना चाहिए, जब इंडिया खुशहाल है तो इंडियन सबको खुशहाल होना चाहिए ना, तो इंडिया खुशहाल का ढोल पीट रहे हैं और मुट्ठी भर लोग खुशहाल है, बहुसंख्यक लोग आपको मतलब डे टू डे मतलब हैंड और माउथ का जो कहते हैं माउथ और हैंड का जो समस्या है वो समस्या है, तो इसमें मतलब आप जो प्रश्न उठाए हैं कि मतलब ठीक है वहां पर हम लोग हमेशा चाहे मतलब हम लोग क्या देखते हैं हमारी पार्टी की क्या धारणा है कि हम लोग क्या धारणा है कि नेपाल की क्रांति इंडिया का प्रमुख भूमिका होगा, बाहरी देश के हिसाब से प्रमुख भूमिका तो नेपाल के हिसाब से नेपालियों का होगा, लेकिन बाहरी हिसाब से किसका रहेगा तो इंडिया का रहेगा, जिस तरह का बॉर्डर है सारा चीज, तो दोनों साइड है उसका भूमिका, शासक वर्ग वहां का क्रांति दबाने में ही प्रमुख भूमिका है,
और यहाँ के क्रांतिकारी और मतलब बुद्धिजीवी लोग हुए, मतलब जो लिबरल टाइप के लोग हैं, तो मतलब अच्छा बने, मतलब नेपाल अच्छा हो चाहे इंडिया अच्छा हो, अपने कुछ भी नहीं करते तो कलम चलाते हैं कोई, तो ये भी तो करना बोलते हैं उस तरह के लोग, मतलब फिर मतलब क्रांति के पक्ष में रहते हैं। तो वो क्रांति के पक्ष में जो है, परिवर्तन के पक्ष में, आत्मगमन के पक्ष में जो लोग हैं, उसका भी मतलब औरों देशों की तुलना में आपको प्रमुख भूमिका रहे बाहरी सपोर्ट में जो कहिएगा। तो जिस तरह भारतीय शासक लोग घातक है, उसी तरह भारतीय जनता लोग मतलब सपोर्ट है, मतलब पक्षधर है, नेपाली क्रांति का पक्षधर है। तो यही बात सब है कि इंडिया और नेपाल के बीच में हमने हमेशा कहा, एक आपको हमारे पांचों कांग्रेस हुआ था पार्टी का, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, वो इंडिया की अयोध्या में हो रहा था। हमारे मोहन विक्रम लगाए अभी जितने हमारे नेता, अभी हमारे नेता लोग हैं, वो डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखे थे कि मतलब चीन के जनता के साथ हमारा विशेष संबंध होगा। तो मैं उस समय विरोध किया था कि जब चीन के बारे में कुछ को पता नहीं हो रहा है, ये महाधिवेशन भी हम यहीं पर कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, सारा चीज मतलब हर तरह का सहयोग सपोर्ट हम लोग यहाँ से हो रहा है, यहाँ की जनता से हो रहा है, क्रांतिकारियों से हो रहा है। चीनिया माओ को देख करके चीनिया जनता को बात करने से होगा, और माओ रहते तो उस समय भी मूल्यांकन किया, लेकिन नेपाल के संदर्भ में भारतीय जनता के साथ हमारा विशेष संबंध होगा, वो पुष्टि हुआ है मतलब, लेकिन नेता लोग नहीं माने। मैं अकेले था ये बात कहने वाला, मैं अकेला था तो नहीं सुने वो लोग, वो भी स्थिति देखे। तो हमने हमेशा कहा है कि मतलब कि भारत के क्रांतिकारियों को और नेपाल के क्रांतिकारियों को एकदम एकताबद्ध होकर चलना चाहिए। मैंने बोला है कि अगर मनमोहन सिंह अगर यहाँ पर सेना भेज के अगर दमन करता है तो हम इंडिया में जाते हैं। हम भी जाते हैं इंडिया में, यहाँ पर आपको, और हम लोग चाहते हैं कि भारतीय शासक का विरोध करने का अर्थ ये नहीं होता कि मैं भारत का विरोध कर रहा हूँ, भारत की मतलब सार्वभौम सत्ता पर हम लोग कोई आघात करना चाहता हूँ, चाहे भारत के सत्ता की सार्वभौम सत्ता के विरुद्ध में कुछ नहीं करना चाहता हूँ। सार्वभौम सत्ता तो नेपाली भारतीय जनता तो शासक वर्ग नहीं है, देश जनता का होता तो कब्जा कर दिया, जिस तरह ब्रिटिश लोग कब्जा किया था आदमी को, तो पूंजीपति पर कब्जा किया, उसका दल मतलब साम्राज्यवादी का दलाली करके अपना कब्जा किया। तो हम लोग के बीच में निश्चित रूप में विकास होना चाहिए, लेकिन हमारे नेता लोग थोड़ा इसमें धोखा दिए, अभी बोल नहीं रही, कुछ बोल नहीं रही। श्रीलंका में उतना बड़ा दमन हुआ, एक शब्द नहीं बोल, यहाँ पर इतना बड़ा ग्रीन हंड चल रहा है उसके बारे में नहीं बोल रहा है। इसका कारण है कि मतलब आप जो बोले ना, कोई व्यक्ति में खोजने से खोजिए, कोई व्यक्ति खराब है, मतलब लाइन ठीक नहीं है तो व्यक्ति का क्या, लाइने पर कोई नेता होता है, लाइने पर मतलब लोग गद्दार बनते हैं, ईमान बनते हैं, लाइन के आधार पर ही, सोच के आधार पर ही बनते हैं। तो वो स्थिति है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे और आपके माध्यम से हम भारतीय क्रांतिकारियों सबको कहेंगे कि मतलब नेपाल में जो स्थिति है उस पर थोड़ा गहराई से ध्यान दें, निश्चित रूप में वहाँ की धारा मतलब अब संशोधनवादी धारा में विकास कर गया, क्रांतिकारी धारा परिणत हुआ, लेकिन क्रांतिकारी धारा पूरा मर नहीं गया, जिंदा है वहाँ। और उस अगर वो उस धारा को अगर जिंदा करने में मदद करते हैं तो हमको लगता है यहाँ की क्रांति को भी मदद मिलेगी। तो आपके प्रश्न से मैं सहमत हूँ कि यहाँ जब तक हम लोग नहीं जुड़ते, अब भारतीय शासक वर्ग और नेपाल के शासक वर्ग तो एकदम पैक दलाली, उनका दलाली करते हैं यही, नेपाल तो यही मनमोहन सिंह चला रहा है,
यहाँ के शासन सत्ता चलाते हैं वहाँ पर, और हम क्रांतिकारी बीच में नहीं मिलेंगे तो संभव नहीं है।